डॉक्टर सिंघल की कोरोना जांच रिपोर्ट पहले पॉजिटिव बाद में निगेटिव आने के बाद रीवा वासियों ने राहत की सांस ली। तभी उनके दो परिजनों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जीशान जावेद आपके साथ। कोरोना रीवा में डॉक्टर सिंघल के परिजनों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव है, जिसकी पुष्टि संजय गांधी अस्पताल के CMO डॉक्टर अतुल सिंह ने की है। हाँ, अभी दो पॉजिटिव पाए गए हैं अभी तक जितनी भी अपने यहाँ जांच की गई है, बाकी तो लगभग नेगेटिव गई सब। हम आपको बता दें, डॉक्टर सिंघल दिल्ली में ही हैं। उनकी पत्नी ने वीडियो जारी करके अपनी आप बीती सुनाई। आप भी सुनिए डॉक्टर सिंघल की पत्नी कुछ क्या कह रही हैं। शाम को आई, वो भी नेगेटिव आई। 26 तारीख को जब नेगेटिव आई तो 27 तारीख की अर्ली मॉर्निंग फिर से रिपोर्ट ली गई, सैंपल लिया गया। 27 तारीख की रात को, यानी कि अभी थोड़ी देर पहले, फिर से रिपोर्ट आई, वो भी नेगेटिव आई। लगातार दो रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं। टोटल 4 बार टेस्ट हुआ उनका, उसमें से 3 रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं, 1 पॉजिटिव आई थी। ये सारी सूचना रीवा जब पहुँची तो रीवा में भी हड़कंप मच गया कि डॉक्टर साहब को कोरोना है। लेकिन वास्तव में डॉक्टर साहब को मेरे ख्याल से कोरोना था ही नहीं। एक रिपोर्ट पता नहीं कैसे पॉजिटिव आ गई, अब या था भी तो अब वो क्योर हो गया है या तो क्योरेबल स्थिति में रहा होगा, अब ये नहीं पता मुझे। ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, या तो क्योर हो गया या वो रिपोर्ट गलत थी, इसके बारे में कुछ सही नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो भी ये गलत रिपोर्ट के कारण जो भी हुआ हो, हम 3 दिनों तक बहुत ही मानसिक प्रताड़ना में हमने झेला है, पूरे परिवार ने, पूरे परिवार के सहित, और रीवा वासियों ने और कुछ मीडिया ने कुछ अपशब्द भी कहे हैं, उसके कारण हमारे परिवार को और मेरे को बहुत दुख हुआ है, जो कि किसी को नहीं कहना चाहिए था डॉक्टर सिंघल के बारे में। बस यही कहना चाहती हूँ मैं। सुरक्षा व्यवस्था की कमान IG रीवा चंचल शेखर ने स्वयं संभाल रखी है। डॉक्टर सिंघल के नर्सिंग होम के घर के पास पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुछ कह रहे हैं। पुलिस प्रशासन और मेडिकल टीम ने मिलकर के उनके पूरे जो कांटेक्ट है, प्राइमरी कांटेक्ट की सूची बनाई है हम लोगों ने, 36 लोगों की कांटेक्ट की सूची है। उस सूची के लोगों की में टेस्ट हुई तो उसमें से उनकी बच्ची और उनकी बहन का पॉजिटिव आया है, जिस कारण से ये पूरा इंदिरा नगर का इस गली को हम लोगों ने पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन घोषित किया है और पूरा पैक कर दिया है। इससे कोई अंदर और बाहर नहीं आ जा सकते हैं। उसी की व्यवस्था हम लोग देखने के लिए यहाँ आए थे कि हमारे जो पुलिसकर्मी यहाँ पे लगे रहेंगे PPE किट के साथ और पूरी सावधानी बरतें और वो अपने घर को नहीं जाएं और अपनी वर्दी को रोज़ धोएं और इस तरह की जो सैनिटाइजेशन की और जो डिस्टेंसिंग की जो पॉलिसी है, हम पूरा इसको पालन। दिल्ली से आए हैं वो यहाँ पे क्वारंटाइन नहीं हुए, ऐसी क्या चूक हुई कि प्रशासन को जानकारी नहीं हो पाई और केवल 35 लोग जो कि चिन्हित कर लिए गए हैं। देखिए, डॉक्टर सिंघल तो खुद ही एक बहुत नामी ग्रामी डॉक्टर हैं यहाँ के। वो अपने इलाज के लिए गए थे, उनको ऐसा लगा कि इलाज उनकी सही हो गई है तो यहाँ आ गए रीवा। जब यहाँ आकर के उनकी तबीयत बिगड़ी तो ये नर्सिंग होम और ये पैथोलॉजी और ये डायग्नोस्टिक सेंटर गए वो। तो उस दौरान में कुछ लोगों के कॉन्टैक्ट में आए, वो ज़रूर कुछ ना कुछ प्रिकॉशन ज़रूर लिए होंगे। अब जब तक होम क्वारंटाइन ऐसे लोगों को करते हैं जिनमें सिम्टम्स नहीं हैं, जो मॉडरेट और हाई रहते हैं उनको हॉस्पिटल क्वारंटाइन करते हैं, मॉडरेट वाले को जिला अस्पताल करते हैं, हाई वाले को जिनमें सिम्टम और ज़्यादा है मेडिकल कॉलेज में करते हैं। जब ऐसे उनमें कोई सिम्टम थे नहीं तो इसलिए वो होम क्वारंटाइन में थे। अब वो अपने इलाज के संबंध में एक दो जगह गए हैं, ये जरूर एक बात है। हमारी टीम ने डॉक्टर सिंघल के घर के आसपास का जायजा लिया, गलियों का सन्नाटा, अपनी कहानी स्वयं बयां कर रहा है। मैं अपने पीछे ठीक आपको एक गली दिखाना चाहूंगा, यह गली वही है जहां पर डॉक्टर सिंघल का तनिसा हॉस्पिटल है। डॉक्टर सिंघल इस समय बीमार हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, उनका इलाज दिल्ली में चल रहा है। डॉक्टर सिंघल की पहली रिपोर्ट पॉजिटिव आई गई थी, उसके बाद उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। डॉक्टर सिंघल 12 तारीख से 21 तारीख तक रीवा में थे। इस दौरान वो कई लोगों से मिले, अपने परिजनों के साथ रहे, उनके घरों में कई लोगों का आना जाना था, सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया, उस पूरी गली को सीज कर दिया गया। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, उनके परिजनों की जो रिपोर्ट आई है उसमें 2 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके बाद से
रीवा शहर में एक तरीके से ये माना जा रहा है कि कोरोना ने दस्तक दे दी, लेकिन ये बड़ी बात है। इस समय कोरोना के जो भी पेशेंट रीवा में या तो पहले भोपाल से लाए, इंदौर से लाए गए थे, इंदौर जबलपुर होते हुए रीवा, सतना से रीवा आए थे, उनको वापस भेज दिया गया था। उसके बाद डॉक्टर सिंगल दिल्ली में पॉजिटिव पाए गए, यहाँ पर भी जो दो पेशेंट पाए गए वो मूलतः सतना के रहने वाले हैं। माना जा सकता है रीवा का अभी भी कोई भी पेशेंट कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है। न्यूज नेटवर्क टुडे के लिए मैं जावेद अंसारी, समीम सौदागर के साथ। अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचने का यही एकमात्र इलाज है। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।